गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी बेटी उठ गई है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी उठ जाती हूँ और अपना क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दे। टाइम अभी 7 बज रहा है, अभी थोड़ी देर खेलूंगी उसके साथ, फिर जरा जरा आगे के काम करती हूँ। अभी तो एकदम से उठ के जल्दी उठ गई है। चलो जस्ट अभी हुई हूँ काम से फ्री,
सुबह से वही काम काम काम। सुबह उठ गई थी वही 7 साढ़े 7 बजे के करीब, 7 के बीच में उठ गई थी, बस वही सुबह से काम लगी। और बच्चे के साथ भी तो लेट काम होता है, टाइम अभी 12:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो अभी तो और आगे काम है। अभी तो सुबह के सारे काम खत्म हुए हैं, अभी तो बहुत आगे के काम है, खाना बनाना है अभी दोपहर का। चलिए अभी आप थोड़े से तो बात कर लिए, आप थोड़ा खाना वाना बनाते हैं दोपहर का, फिर उसके आगे जाके मिलते हैं, शाम तक देखती हूँ मिलते हैं, शाम तक बात होती है कुछ। अभी तो काम है खाना, दाल चावल बनाऊंगी, और कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, सिंपल दाल चावल बनाना है। चलिए अब आगे के काम करते हैं, चलिए। मेरे दाल चावल रेडी हो चुके थे, अब ये मैं आटा गूंद रही थी, रात के लिए आटा गूंद रही थी, क्योंकि अभी बेबी पहले सोई हुई थी उस टाइम, तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, बाद में शाम को करने नहीं देती। अभी सबका खाना हो चुका है, अब ये मैं अपनी बेबी को खाना खिला रही हूँ। मैं शूट नहीं कर सकी ज़्यादा, अगर तो ज़्यादा लंबा खींच जाता, और बेबी भी सोई हुई थी, तो फिर अगर मैं शूट करने लग जाती तो उड़ जाती और कुछ काम नहीं हो पाता। तो अभी मैं बेबी को खाना खिला रही हूँ अपनी बेटी को, और मैं आगे से शूट नहीं कर पाई, बहुत लंबा खींच जाता, फिर वही आप बोर होने लग जाते हैं व्लॉग को देखकर। तो अब आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे कल, तो अब जो भी मिस्टेक हो गई होगी आप माफ़ कर दीजिएगा, ये ठीक है। चलो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।